एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स क्लास 10। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक क्या कहता है ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उसमें क्या था ना, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। सपोज 18 कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि इट्स हैव ए मोर देन टू फैक्टर्स। तो 18 को फैक्टराइजेशन करने से क्या होगा, 2, 9, 3, 3। तो यहाँ पे 18 इक्वल टू 2 × 3 × 3। तो देख रहे हैं कॉम्पोजिट नंबर वी कैन एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये सब प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक यूज करके हम लोग HCF LCM फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कैसे देखिए होता है। देखिए फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 6 और 20 का LCM और HCF फाइंड आउट करूँगा। तो पहले क्या करूँगा ना, हम लोग जो प्रीवियस क्लास में आप कैसे सीखा है वो देख लेता हूँ, फिर हम लोग यहाँ पे क्या यूज होता है फॉर्मूला वो देखूँगा। तो 6 को फैक्टराइजेशन करने से क्या होगा, 2, 3। तो 6 इक्वल टू 2 × 3 20 को फैक्टराइजेशन करने से 2, 10, 2, 5। तो 20 इक्वल टू 2 × 2 × 5। अभी पहले अब जो मेथड से HCF LCM निकालता था ऐसा था, 6 2 × 3 और 20 क्या हुआ है, 2 × 2 × 5। अभी HCF का फुल फॉर्म क्या था, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए 6 और 20 इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, HCF ऑफ 6 20। कॉमन मीन्स जो दोनों में ही वो फैक्टर है, तो कौन है ना, 2। देखिए 2 जो फैक्टर है वो दोनों में ही है, बाकी 3 दोनों में कॉमन नहीं है, 5 भी दोनों में कॉमन नहीं है। तो HCF क्या हो गया, 2। 6 और 20 का HCF यहाँ पे क्या हो गया, 2। नेक्स्ट LCM, LCM क्या था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे 6 का मल्टीपल मीन 6 का जो टेबल होता है, 6 1 6 6 2 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 120 ये हो गया 6 का मल्टीपल। फिर 20 का मल्टीपल 20 40 60 देन 80 मल्टीपल, 20 21 22 23 24। फिर 100 120 140। अभी यहाँ पे बोले कॉमन मल्टीपल, कॉमन मीन्स जो दोनों में ही है, तो कौन सा मल्टीपल दोनों में है, देखिए 6 में 60 और 20 में भी 60। फिर 120, 6 में 120 और 20 में भी 120। तो ये लोग और भी मिलते रहेंगे, तो ये जो है आपका कॉमन मल्टीपल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बोले लीस्ट, मिनिमम जो स्मॉलेस्ट जो है मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल उनको लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, LCM ऑफ 6, 20 क्या मिलेंगे हम लोगों को, 60।
तो ऐसे ही मेथड में पहले HCF और LCM निकाला है लोअर क्लासेस में, ठीक। तो अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे 2 × 2 × 5 मीन्स इसको यूज कर सकता हूँ 2² × 5। अभी यहाँ पे फॉर्मूला होगा HCF, दो नंबर है 620, तो इसमें फॉर्मूला होगा प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो ये हो गया फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। इसका मतलब जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है उनका स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट होगा। अभी देखिए 6 में फैक्टर से 2, 3, तो 2 का पावर 1, और 20 में 2 का पावर 2, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या होगा, और कॉमन भी होना है कॉमन, तो यहाँ पे 2 का पावर 1 मीन्स 2, और कोई कॉमन है ही नहीं। तो अगर कॉमन होता तो वो मल्टीप्लाई होना था, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, दोनों में 2 हो रहा है। तो अभी 10th में आपको ये फॉर्मूला का थ्रू आपको HCF और LCM फाइंड आउट करना। अभी LCM का फॉर्मूला देखिए, LCM ऑफ 6, 20, इसमें होगा प्रोडक्ट ऑफ द इसमें था स्मॉलेस्ट, इसमें आपका होगा हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। यहाँ पे कॉमन नहीं, ईच प्राइम फैक्टर, जितना भी प्राइम फैक्टर्स है उनका क्या होना है, ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन दिस नंबर्स। तो प्राइम फैक्टर्स जो है, जितना भी प्राइम फैक्टर्स है उनका हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट होना है। तो देखिए यहाँ पे LCM क्या होता है, LCM ऑफ 6, 20, तो इसमें 2 में यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 2, तो हाईएस्ट पावर लेना है तो 2² × ईच प्राइम फैक्टर, ईच प्राइम, और यहाँ पे ईच कॉमन प्राइम। अभी देखिए 3 का हाईएस्ट पावर 1 ही है तो 3, और 5, तो इनको सॉल्व करने से 2² × 4, 4³ = 12, तो 60। तो यहाँ पे हम लोगों को HCF ऑफ 6, 20 का वैल्यू हो गया 2, और LCM ऑफ 6, 20 का वैल्यू हो गया 60। तो अभी आपको ये दो फॉर्मूला आपको जानना है, HCF ऑफ एनी टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, LCM ऑफ द नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स। अभी यहाँ पे एक रिलेशन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखिए अभी इन दोनों को देख रहा हूँ, यहाँ पे ये आपका रिजल्ट हो गया इनका, अभी एक रिलेशन मिल रहा है। देखिए HCF ऑफ 6, 20 इंटू LCM ऑफ 6, 20, तो HCF ऑफ 6, 20 इनका वैल्यू क्या आया 2, LCM ऑफ 6, 20 इनका रिजल्ट क्या है 60, तो दोनों को इंटू करने से हम लोग को मिल रहा है 120। और जो गिवेन नंबर है, जो दो नंबर का HCF और LCM निकालो उनका भी प्रोडक्ट करिए, वो भी आपका 120 आ रहा है। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ द गिवेन नंबर्स तो इनका प्रोडक्ट करने से 6 × 20 इनका भी रिजल्ट क्या आ रहा है 120 आ रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ से एक रिलेशन हम लोग को मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 6 और 20 का प्लेस में सपोज एक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ले लिया ए बी, तो हम लोग का रिलेशन क्या मिलेगा ना, HCF ऑफ ए कॉमा बी इंटू LCM ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू ए इंटू बी। ये हम लोग का एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हो गया, बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है HCF ऑफ ए बी। तो कोई भी दो नंबर का HCF
और वही दो नंबर का एलसीएम का प्रोडक्ट इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। अगर ये चीज़ तीन नंबर के लिए लिया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे HCF ऑफ ए बी सी इंटू LCM ऑफ ए बी सी, तो इट इज नॉट इक्वल ए इंटू बी इंटू सी। ये तीनों नंबर के लिए ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये इक्वल नहीं होता। HCF ऑफ ए बी सी इंटू LCM ऑफ ए बी सी नॉट इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, लेकिन दोनों नंबर के लिए ये एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पे HCF और LCM ऐसे निकाला गया है, और ये रिलेशन को आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो अभी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। तो एक्सरसाइज 1.2 इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो बोला गया क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हाँ, तो यहाँ पे मैंने थर्ड क्वेश्चन को लिया हूँ। यहाँ पे 3825 इनको एक्सप्रेस करना है प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट का रूप में। सो 3825 ये आपका कॉम्पोजिट नंबर होगा क्योंकि इट्स हैव मोर देन टू फैक्टर्स। अब कैसे पता है दो से ज़्यादा फैक्टर से डिवाइड होगा ना, यूनिट प्लेस में 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। और यहाँ पे देखिए ये 3 से भी डिवाइड होगा क्योंकि इनका जो डिजिट्स है उनका सम करिए जो रिजल्ट मिलेगा वो भी आपका 3 से डिविजिबल है। जैसे 5 + 2 + 7 + 8 = 15 + 3 = 18 3 से डिविजिबल होता है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। फैक्टराइजेशन शुरू करता हूँ। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस क्या है यहाँ पे इवन नंबर या जीरो नहीं है। तो 3 से स्टार्ट करता हूँ, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 22, तो 3 7 जा 21 15 3 5 जा 15। तो अगेन ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं ना, 7 + 2 9 1 10 10 15, तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 4 जा 12 3 2 जा 6 3 5 जा 15। अभी देखिए ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि इनका सम जो है 7 + 4 11 11 जो है आपका 3 से डिवाइड नहीं होता है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 5 8 जा 40 25 5 5 जा 25 1 8, अभी आया आपका 85 85, अगेन 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5 5 7 जा 35। तो यहाँ पे देखिए जो 3825 ये नंबर एक्सप्रेस हो रहा है प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर में, 3 × 3 5 × 5 × 17। तो इनको मैं क्या लिखूँगा ना, 3 × 3 मीन्स 3² × 5² × 17, यही हो गया आपका इसका आंसर। तो इनका जो और भी 1 2 4 5 जो 4 क्वेश्चंस है ये आप खुद से ट्राई करिए, आपको हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पे मैं सेकेंड क्वेश्चन को ले रहा हूँ। इसमें बोले फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द रिलेशन। अभी अभी जो रिलेशन डिस्कस किया था कि HCF ऑफ टू नंबर सपोज ए बी इंटू LCM ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होगा ना, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर ए इंटू बी। ये जो प्रॉपर्टी HCF ऑफ ए बी इंटू LCM ऑफ ए बी इक्वल टू ए बी, तो इनको हम लोग को अभी वेरीफाई करना है। यहाँ पे ए बी मीन्स एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, तो अभी क्वेश्चंस में दिया हुआ है दो नंबर, तो यहाँ पे जो दो नंबर है 510 और 92। तो पहले ये दोनों नंबर का HCF और LCM फाइंड आउट करूँगा, देन ए रिलेशन को वेरीफाई करूँगा। तो 510 2 से डिवाइड होगा क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 है, तो 2 2 जा 4 11 2 5 जा 10 2 5 जा 10, और 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा,
थ्री एट जा 24, 15, 3 5 जा 15, 5 तो ये हो गया अपनों का 17। तो 510 इक्वल टू 2 × 3 × 5 × 17। नेक्स्ट 92, तो 92 2 4 8 6 अगेन 2, तो यहाँ पे हो रहा है 23। सो दैट मीन्स 92 इक्वल टू 2 × 2 × 23, दैट मीन्स 2² × 23। तो अभी फैक्टर इनको फैक्टराइज हो गया, अभी एच सी एफ और एल सी एम निकालना है। तो दे आर फोर एच सी एफ ऑफ 510, 92। अभी इनका जो फॉर्मूला है वो अभी थोड़ी देर में पढ़ चुका हूँ। फॉर्मूला क्या था ना, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। हाँ, तो यहाँ पे एच सी एफ है तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स का स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट होना है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग चेक करूँगा कि कॉमन पावर कॉमन फैक्टर्स क्या है। तो देखिए दोनों में 2 हो रहा है जो कॉमन है, बाकी कोई भी जो प्राइम नंबर्स है वो कॉमन नहीं है। उनका स्मॉलेस्ट पावर, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, तो आपको 2 का पावर 1 लेना है, दैट मीन्स 2। नेक्स्ट एल सी एम, एल सी एम ऑफ 510, 92। तो इसमें आपका क्या है ना, इसमें बोले प्रोडक्ट ऑफ द हाइस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स, जो भी प्राइम फैक्टर्स है सबका ग्रेटेस्ट पावर को लेना है, वह हाइस्ट पावर को। देखिए यहाँ पे 2 का ग्रेटेस्ट पावर है स्क्वायर, तो 2² 3 इनका हाइस्ट पावर तो 1 ही है, 5 × 17 × 23। तो इनको इंटू करना है, क्या रिजल्ट आ रहा है वही होगा हम लोग का एल सी एम। तो 2² 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो 17 का साथ 60 इंटू करता हूँ, 7 6 जा 42, 4 7 6 जा 42, 4 1 0 2 0 इनका साथ 23 इंटू करिए, तो यहाँ पे मिल जाएगा 3 2 जा 6 30, 2 2 जा 4 20, तो 2 3 4 6 0। तो यहाँ पे एल सी एम जो हो रहा है वो मिल रहा है 23,460। अभी हम लोग ये आपका एच सी एफ और एल सी एम मिल चुका है, अभी हम लोगों को क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है एच सी एफ इंटू एल सी एम का। ठीक, नेक्स्ट वेरीफिकेशन, तो वेरीफिकेशन क्या होना है, एच सी एफ ऑफ 510, 92 इंटू एल सी एम ऑफ 510, 92 इक्वल टू जो गिवन दो नंबर है उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, तो 510 × 92 ये हम लोग को वेरीफाई करना है। तो एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड मीन्स एच सी एफ इंटू एल सी एम, उनको लिखना है एच सी एफ ऑफ 510, 92 इंटू एल सी एम 92, तो एच सी एफ मिला है 2 और एल सी एम हम लोग को मिला है 23,460। तो इंटू करता हूँ 0 6 2 12 4 8 9, तो 46,920 ये हो गया एच सी एफ और एल सी एम का प्रोडक्ट। अभी आर एच एस, आर एच एस क्या है ना, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, हाँ, तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स क्या है, 510 × 92। तो 510 और 92 को आप इंटू कर लीजिए, 510 92, 2 1 2 5 2 10, 9 1 9 9 5 46 45, तो 46 92 0, तो यहाँ पे भी आंसर 46,920। तो therefore LHS इक्वल टू RHS, दैट मीन्स हम लोग को जो रिलेशन मिला है वो आपका वेरीफाइड हो चुका है। तो इनका जो और भी दो क्वेश्चन है आप खुद ट्राई करिए, यही प्रोसेस में आपको करना है।
पहले फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। फैक्टराइजेशन करने के बाद HCF और LCM निकालिए, फिर आपको वेरीफाई करना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में बोला गया है फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को ले रहा हूँ 12, 15 and 21, ये तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग को क्या करना है LCM और HCF फाइंड आउट करना है। तो 12 में यहाँ पे फैक्टराइज करिए 2, 6, 2, 3, तो यहाँ पे हम लोग क्या मिल रहा है 12 = 2 × 2 × 3, दैट मीन्स 2² × 3। 15 को फैक्टराइज करने से 3, 5, तो 15 = 3 × 5। 21 फैक्टराइज करने से 3, 7, तो 21 = 3 × 7। अभी हम लोग का जो फॉर्मूला है HCF ऑफ 12, 15, 21, हम लोग फॉर्मूला क्या था ना, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है उनका स्मॉलेस्ट पावर लेना है। तो अभी देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है वो पहले आपको चेक करना है। कॉमन सब में देखिए जो नंबर सब में ही है वो होगा कॉमन, तो यहाँ पे 3 तीनों में ही है, 12 में 15 और 21 का फैक्टराइजेशन में 3 कॉमन है और उनका हाईएस्ट पावर सब में ही 1 है, सॉरी यहाँ पे सबका पावर जो 1 है तो स्मॉलेस्ट पावर, तो दैट मीन्स वही रहेगा। तो HCF कितना हो गया 3। LCM 12, 15, 21, तो LCM में क्या था ना, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यहाँ पे ईच प्राइम फैक्टर जितना भी प्राइम फैक्टर्स है उनका हाईएस्ट पावर को लेना है। तो यहाँ पे देखिए 2 का हाईएस्ट पावर 2, 3 सब में 1 ही है, तो इनमें 3 का पावर 1 मीन्स 3। फिर 5 × 7, देखिए इसमें सब प्राइम फैक्टर्स जो इन्वॉल्व है सबको लिया गया है, तो इनको इंटू करिए 2² 4, 4³ = 12, 12² = 60, 60 और 70 इंटू करने से क्या होगा 420। तो ये आपका जो ये यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक का प्रॉपर्टीज यूज करके हम लोग HCF और LCM फाइंड आउट किए। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे लेकिन आपको वेरिफिकेशन नहीं बोला है, जैसे आपको प्रीवियस क्वेश्चन में HCF ऑफ 2 × LCM ऑफ 2 = product of 2 आया, तो आपको थोड़ा देर पहले ही बता चुका अगर 3 का कंडीशन आता है तो इसमें ये आपका क्या होगा इक्वल नहीं होगा। मीन्स HCF सपोज आपने ले रहे HCF ऑफ ABC इंटू LCM ऑफ ABC नॉट इक्वल A × B × C, ये आपका तीनों नंबर का केस में ये रिलेशन इक्वल नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं दिया गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर, इनका जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस है आप ट्राई करिए, कुछ भी क्वेश्चंस डाउट होने से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4, गिवेन दैट HCF ऑफ 306, 657, यहाँ पे दो नंबर क्या है 306 और 657 दोनों नंबर का HCF ऑलरेडी गिवेन 9 है, तो LCM क्या होगा। हाँ यहाँ पे जो है आपको प्रॉपर्टीज यूज करके करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको LCM ऑफ ये दो नंबर बोला है तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके वो प्रोसेस से करने से कॉपी लेंदी, अगर वो नहीं करना है आपको ये हिंट्स दिए दैट मीन्स हम लोग को प्रॉपर्टी यूज करना है। देखिए इनका सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान देना है। तो इसमें क्या है HCF और HCF दिया हुआ है, हम लोग को LCM फाइंड आउट करना है। कभी कभी क्या होता है आपको LCM दिया रहता है आपको HCF निकालना पड़ता है, 2-3 तरीका का क्वेश्चन होता है, हम लोग आगे करूँगा। तो यहाँ पे देखिए गिवन
सॉल्यूशन ऐसे ही करना है. गिवेन एचसीएफ ऑफ टू नंबर मीन्स 306, 657 इक्वल टू 9, जो कुछ जो वैल्यू दिया हुआ है उनको लिखा हूँ गिवेन करके. अभी प्रॉपर्टी क्या होगा ना, वी नो एचसीएफ ऑफ यहाँ पे टू नंबर 306, 657 एचसीएफ इनटू एलसीएम ऑफ 306, 657 इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर मीन्स 306 इंटू 657. क्लियर? हम लोग प्रॉपर्टी क्या पढ़ा हूँ, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी. ए प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुका हूँ, यही प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज किया जा रहा है. तो यहाँ पे एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर इनका वैल्यू दिया हुआ है 9 इंटू एलसीएम 306, 657 इक्वल 306 इंटू 657. अभी देखिए जो 9 इंटू है वो राइट साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो एलसीएम ऑफ 306, 657 इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9. अभी 9 और कैंसिल करिए इनको, 9 7 जा 63, 27 9 3 जा 27, तो एलसीएम हम लोग को क्या होगा, एलसीएम 306, 657 इनका वैल्यू क्या होगा, इन दोनों का इंटू कर लीजिए 306 इंटू 73, 3 6 18, 3 3 जा 9, 7 6 जा 44, 7 3 जा 21, तो 8 3 3 2 2, तो हम लोग एलसीएम मिल गया 22,338. यही हो गया आंसर. तो इनको समझ में आया होगा, तो इनका एग्जाम्पल्स में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है उनको भी कराऊंगा, तो ये अच्छे से समझिए, इनका रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस होता है, वेराइटीज क्वेश्चंस होता है वो डिस्कस करूंगा. तो नेक्स्ट रिमेनिंग जो 3 क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ.